वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से आ रही है। पुलिस ने मजदूरों के साथ की बेरहमी से मारपीट, कई मजदूर हुए घायल, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है जारी। आपको बता दें कि धार जिले के डही थाना क्षेत्र में मजदूरी करने जा रहे मजदूरों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। मार की डर से भागा एक मजदूर कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों ने मजदूर को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस की दादागिरी चरम पर। मजदूरों के साथ भरे वाहनों को रोककर हफ्ता वसूली की जाती है। रुपए नहीं देने पर मजदूरों व ड्राइवरों के साथ की जाती है मारपीट। घायल मजदूरों को कुशी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, उपचार जारी। पुलिसकर्मी थान सिंह सत्या व नरपत ने मजदूरों को डंडे से पीटने का नाम सामने आ रहा है। आप लोगों को पुलिस ने क्यों मारा? हम बेटे ले, इसलिए हमको मारती है। कहाँ जा रहे थे? घटना 4:30 बजे वहाँ से निकलते हैं और सवेरे और सुसारी और निसरपुर आसपास के देशवालिया धुलसर अंबाड़ा क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, मिर्ची तोड़ने आते हैं और हमेशा की तरह ही हम आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसके हमने उनसे पूछा तो पैसे मांगे थानेदार ने और पैसे नहीं देने पर मजदूरों को मारने शुरू कर दिया और 1,000 रुपये इन्होंने दिए फिर भी मारा। इन्होंने 1,000 रुपये इन्होंने ड्राइवर ने उनको दिए फिर भी उसके बाद भी मारा और एक हमारे साथ में हमारे समाज की बहन भी उपस्थित है उसको भी यहाँ पर लाठी से मारा। तो हम सभी 400-500 मजदूर लोग और यहाँ पर पिकअप के ड्राइवर लोग भी आए हुए, उनसे भी हमने जानने को पूछा तो हर सप्ताह हर रोज़ 500-1,000 रुपये पुलिस वालों के द्वारा मांगे जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ कि डही ब्लॉक में अवैध कारोबार बहुत जल्दी हो रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। अवैध कारोबार में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पशु जो गाय कटने महाराष्ट्र में जाते हैं वो आयसर दिन में रात में यहाँ पर ले जाए जाते हैं और दूसरा दारू को कारोबार धार जिले में सबसे ज़्यादा अगर होता है तो डही ब्लॉक में। अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं होती है, ये लड़का जो खड़ा है, ये भैया हमारे साथ में है जो इन ये कुएं में कूद गया था, अगर इसको तैरना नहीं आता तो ये इसकी जान चले जाती। इसलिए हम यहाँ पर आए क्योंकि मैं भी रतलाम में था, हमको जैसे खबर मिली तो हमको वहाँ डही पर पहुँच कर कार्रवाई करी। आने वाले समय में ये जो गाय पशु जो पशु यहाँ पर से जा रहे डही ब्लॉक से अवैध शराब जारी, पूरे गांव के गांव ग्राम पंचायत वाले आगे की इस तरह की घटना रहती है तो हम लोग भी ऐसे कार जो गांव में अवैध परिवहन होता है उसको नहीं होने देंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं आज ग्राम पंचायत वालों से। क्या हुआ, मजदूरों को क्यों लेकर आए? मजदूरों को लेकर इसलिए आए हैं कि मजदूर क्या है, डही क्षेत्र में क्या गरीब आदिवासी है और वो आदिवासी रोज़ की 150 रुपये रोज़ की मजदूरी करते हैं। 150 रुपये की मजदूरी में 30 रुपये उनका किराया हो जाता है, 120 रुपये उनके पास बचते हैं, उसमें वो आना जाना करते हैं और रोज़ अनाज ले जाते हैं और उनका घर परिवार पालते हैं। अब पुलिस चाहती है कि उसमें भी उनको एंट्री दे तो वो एंट्री देने का कोई संभव नहीं है क्योंकि मजदूरी कम है और इसी उसमें अब बेल इसमें गाड़ी जो पिकअप के वाहन अवैध ढोर भर के ले जाते हैं, बेल भर के ले जाते हैं, उसके उनको एंट्री मिलती तो उन पिकअपों को कुछ नहीं कहते और हमारे आदिवासी भोली भाली जनता जो है और छोटे छोटे जो पिकअप चलाते हैं उन लोगों से भी एंट्री चाहिए, जो एंट्री नहीं दे उनकी इस प्रकार की हरकत करते हैं, ऐसे हमारे लोगों को मारते हैं। अभी संभावना है कि उनका पेट टूट गया और दो छोरी है उनको भी उन्होंने तबियत से मारी और 3 बच्चे अभी वहाँ घर भी नहीं गए और लापता मिला नहीं, हो सकता वो बच्चे कहीं ना कहीं ठीक मिल जाए तो ठीक, घर बार के लोग जो बैठे हैं अभी भी रोना गाना कर रहे, रो रहे घर बैठे बैठे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।